ओम शांति। 1 सितंबर के श्रोताओं में आप सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त होना, तो फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त। पुराने संस्कार मतलब कलयुग के जो आकर्षण है, जो कि 5 तत्वों के एक्सट्रीम आकर्षण है, और जब सारी आत्माएं इन 5 तत्वों के एक्सट्रीम आकर्षण और 5 सेंसेस इनकी जो होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, वो इन आकर्षणों में विलीन हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं, तो उसको कहा जाता है पुराने संसार में लीन हो जाना, उसके आकर्षण में। तो ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो, तो संसार के आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या किसी वस्तु की तरफ आकर्षण हो, ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में भी कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। मतलब कि संकल्प वृत्ति मतलब एटीट्यूड और वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। हमारे पुराने जो संकल्प हैं, हमारे जो थॉट्स आते हैं, हमारे जो हमारी आदतें बन चुकी हैं, बार बार रिपीट होना उनका, हमारे जो एटीट्यूड होता है कि किसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति के प्रति उसी तरीके से हमें रिएक्ट करना, और वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, व्यर्थ समय टाइम वेस्ट करना इन बातों में, दुनियावी बातों में, दुनियावी चीजों के आकर्षण में, व्यर्थ संग जो आत्माएं हमें आध्यात्मिक की रास्ते से हटाने की कोशिश करती हैं और हमें दुनियावी तरीकों में हमें फंसाने की कोशिश करती हैं, जो स्वयं फंसी हुई होती हैं उस आकर्षण में, उसको कहते हैं लिमिटेड आकर्षण। मतलब कि लिमिटेड सुख मिलने वाला, लिमिटेड शांति मिलने, लिमिटेड खुशी मिलने वाले आकर्षणों में, लेकिन परमात्मा है अनलिमिटेड आकर्षण, अनलिमिटेड शांति, अनलिमिटेड प्रेम, अनलिमिटेड सुख देने वाला। तो परमात्मा कहते हैं व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ते। ओम शांति।